नमस्कार साथियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं MPPSC 2013 से 18 तक की प्रारंभिक परीक्षा में किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए। तो आइए विषय वाई विषय विश्लेषण करके देखते हैं और जानते हैं कौन सा विषय कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्विज देखना चाहता हूँ और आप लोग भी देखिए। हुनर तो सब में होता है, फर्क सिर्फ इतना है किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। तो दोस्तों, आपके हाथ में है, आप छिपाना चाहते हैं या छपाना चाहते हैं। चलिए अब अपने मेन टॉपिक पे आज बात करते हैं। तो दोस्तों, 2013 से 2018 तक के प्री के पेपर का एनालिसिस करते हैं हम लोग यहाँ। इतिहास से 2013 में 9 क्वेश्चन पूछे गए, 2014 में इतिहास से 19 क्वेश्चन, 2015 में इतिहास से 10 क्वेश्चन पूछे गए, 2016 में इतिहास से 4 क्वेश्चन पूछे गए हमारे, और 2017 में इतिहास से 12 क्वेश्चन पूछे गए, और 2018 में इतिहास से 8 क्वेश्चन पूछे गए। अब आते हैं भूगोल प्लस पर्यावरण, इन दोनों सब्जेक्टों को मिला के देखते हैं। 2013 में 15 क्वेश्चन पूछे गए, 2014 में इससे 19 क्वेश्चन पूछे गए, 2015 में इससे 23 क्वेश्चन पूछे गए, 2016 में इससे 9 क्वेश्चन पूछे गए, 2017 में 8 क्वेश्चन पूछे गए, और 2018 में 9 क्वेश्चन पूछे गए। अब आते हैं राज्य व्यवस्था पर, इससे 2013 में 9 क्वेश्चन पूछे गए, 2014 में 5 क्वेश्चन पूछे गए, 2015 में 6 क्वेश्चन पूछे गए, 2016 में 5 क्वेश्चन पूछे गए, 2017 में 4 क्वेश्चन पूछे गए, 2018 में 5 क्वेश्चन पूछे गए। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर, 2013 में 9 क्वेश्चन पूछे गए, 2014 में 7 क्वेश्चन पूछे गए, 2015 में 6 क्वेश्चन पूछे गए, 2016 में 5 क्वेश्चन पूछे गए, 2017 में 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2018 में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब आते हैं मध्य प्रदेश GS या स्पेशल MP स्पेशल, 2013 में 15 क्वेश्चन पूछे गए, 2014 में 15 क्वेश्चन पूछे गए, 2015 में 17 क्वेश्चन पूछे गए, 2016 में 26 क्वेश्चन पूछे गए, 2017 में 12 क्वेश्चन पूछे गए, 2018 में 30 क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों, अब आते हैं अधिनियम STSC सिविल अधिकार और ये मानवाधिकार, वो 1993 वाला भी, 55, 89 और 93, तीनों ये हैं, इनसे देखते हैं और भी जितने अधिनियम हैं। तो 2013 में 12 क्वेश्चन पूछे गए, 2014 में 6 क्वेश्चन पूछे गए, 2015 में 6 क्वेश्चन पूछे गए, 2016 में 5 क्वेश्चन पूछे गए, 2017 में 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2018 में 19 क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों इससे। चलिए अब खेल के बारे में देख लेते हैं, खेल से 8 क्वेश्चन 2013 में, 2014 में 10 क्वेश्चन, 2015 में 4 क्वेश्चन, 2016 में 3, 2017 में 9 क्वेश्चन, और 2018 में इससे 8 क्वेश्चन पूछे गए। अब कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, 2013 में 6 क्वेश्चन पूछे गए, 2014 में 7 क्वेश्चन पूछे गए, 2015 में 9 क्वेश्चन पूछे गए, 2016 में 9 क्वेश्चन पूछे गए, 2017 में 7 क्वेश्चन पूछे गए, 2018 में 9 क्वेश्चन पूछे गए। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे, 2013 में 3 क्वेश्चन, 2014 में 8 क्वेश्चन, 2015 में 8 क्वेश्चन, 2016 में 9 क्वेश्चन, 2017 में 11 क्वेश्चन, 2018 में 3 क्वेश्चन पूछे गए। अब सामान्य विज्ञान की बात कर लेते हैं, 2013 में 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2014 में 4 क्वेश्चन पूछे गए, 2015 में 6 क्वेश्चन पूछे गए, 2016 में 10 क्वेश्चन पूछे गए, 2017 में 14 क्वेश्चन पूछे गए, 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। अब विविध की बात करते हैं, तो 2013 में 11 क्वेश्चन, 2014 में 0 क्वेश्चन,
2015 में 5 क्वेश्चन पूछे गए, 2016 में 12 क्वेश्चन, 2017 में 15, 2018 में 7 क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। तो दोस्तों अब देखते हैं कि किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत रहती है। देखिए मध्य प्रदेश को देख लीजिए, जीएस, इसमें लगातार क्वेश्चन लगभग बहुत ज़्यादा ही है। अधिनियम हो गए, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। खेल, कंप्यूटर और विविध भी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट को पूरी तरह से छोड़ना नहीं है, बस किसी पे ज़्यादा फोकस देना है प्री के लिए और किसी पे कम। चलिए दोस्तों आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।